दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आर एन एस एजुकेशन न्यूज़ में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग में तमाम जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं और उन भर्तियों में नर्सिंग की होंगी पैरामेडिकल्स की होंगी तमाम वो भर्तियां होंगी जिनका आप लोगों को इंतजार था भर्तियों का जो आने का जो सिलसिला है बहुत जल्द आप लोगों को लिए शुरू होने वाला है हो सकता है कि दीपावली से पहले भी खुशखबरी आपको मिल जाए लेकिन दोस्तों आप इन भर्तियों के लिए कितना तैयार हैं वो एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के लिए है मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और ये वीडियो मेनली आ रहा है आप लोगों की इसलिए जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ कि पिछले चार पाँच सालों में जो हमने देखा है ऑब्वियसली जो गलतियां करते हैं अभ्यर्थी उन पर ही ये वीडियो है स्पेशल इस इसमें चीज़ें बताई गई हैं जिनका आपको ध्यान रखना है क्योंकि बाद में आप लोग उन्हीं इश्यूज़ को लेकर के कोर्ट कचहरी तक पहुँचते हैं और भर्ती प्रक्रियाएँ थोड़ा लंबा हो जाती हैं और आपको भी ऑब्वियसली ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं क्या क्या नहीं हैं किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए तो ये सारी जो चीज़ें आज तक का जो अनुभव है उसके आधार पर आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देखें और अगर आपके साथ भी ये समस्याएँ हैं तो आप लोग क्या करना है कि उनको दुरुस्त कर लेना है भर्ती आने से पहले आप दोस्तों देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती आएंगी भर्ती आवेदन से पहले देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की कर रहा हूँ सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र है, डिजिटल प्रारूप का हो पहली बात तो ये है दूसरी बात यह है कि जाति प्रमाण पत्र एस सी को छोड़ के जो एस सी को छोड़ करके एम हुआ आप लोगों का ओ हुआ ई हुआ इन तीन कैटेगरियों के जो जाती प्रमाण पत्र हैं एक साल तक के लिए वैलिड होते हैं लेकिन अगर आप लोग वेरिफिकेशन के समय एक एफिडेविट दे, दे देते हैं तो तीन साल तक ऐसा किया जा सकता है तो ज़्यादा पुराना आपके पास ये जाति प्रमाण पत्र है ये भी नहीं होना चाहिए एक साल पुराना है तो आप लोग बेसिकली तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नया ही बनवा लें क्योंकि जितना पैसा आप लोग उस शपथ पत्र को बनवाने में खर्च करेंगे उतने में नया बन भी जाएगा तो पहली बात तो ये है बहुत सारे इश्यूज़ 2018 की नर्सिंग भर्ती की मैं बात करूं तो कम से कम 100 से ज़्यादा इतने केसेस थे जिनके साथ ये समस्या हुई थी जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक तो एम की हमारी एक बहन थी उन्होंने 2018 की नर्सिंग ए भर्ती में उनका नंबर आ जाता आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आप लोगों को उनका नंबर आ जाता लेकिन उन्होंने क्या किया कि दोस्तों 2012 का जाति प्रमाण पत्र जमा करवा दिया आ, 19 में जब वेरिफिकेशन हुए तब अब देखिए आप लोग तो ये लापरवाही आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी और इस वजह से उनको जर्नल में माना गया लेकिन वो एम में आती थी एम बी सी कट ऑफ शायद छत्तीस परसेंट के आसपास गया था एन भर्ती 2018 का और देख लो उनकी पचास परसेंट के आसपास था यानी कि ओबीसी में नहीं आ रहा था उनका जनरल में ही उनको माना गया तो देख लीजिए इतनी बड़ी गलती की गई एम में होने के बावजूद भी आज घर पर हैं वो तो ये गलती नहीं करनी जाति प्रमाण पत्र एस सी एस टी को छोड़ करके एम बी सी ई डब्ल्यू एस ठीक है इन सब के लिए होना चाहिए एक साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अगर एक साल से ज़्यादा पुराना है तो वो चल जाएगा लेकिन उसके साथ आपको वेरिफिकेशन के समय एक शपथ पत्र देना होगा ये भी सारी चीज़ है ठीक है और इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गई जाति प्रमाण पत्र की बात कोशिश करें कि डिजिटल फॉर्मेट में हो सबका ठीक है दूसरा यहाँ पर आर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि नर्सिंग काउंसिल जी और ए की बेसिकली ये चीज़ें हैं तो जो जी है और ए भर्ती है उसमें आर का जो रजिस्ट्रेशन है उसका इश्यू बहुत होते हैं तो मान लीजिए आप कोई हरियाणा में काम कर रहा है कोई बिहार में काम कर रहा है कोई एमपी में काम कर रहा है कोई दिल्ली में काम कर रहा है कोई या अन्य स्टेट में काम कर रहा है फिर वो क्या करते हैं कि वैकेंसी आती है उससे पहले या उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फिर वो माना नहीं जाता तो फिर वो कोर्ट कचहरी पहुँचते हैं तो जिनको भी फॉर्म भरना होगा उनके पास जो है वैलिड आरएनसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो अपनी आरएनसी को जो है चेक कर लें ठीक है किसी का अगर ख़त्म हो गया जैसे पाँच साल की वैलिडिटी ये लोग देते हैं पाँच साल की वो वैलिडिटी आप लोगों की खत्म हो गई तो वापस से उसको रिन्यूअल करा लें रिन्यूअल आप लोगों का ऑनलाइन ही हो जाता है कहीं जयपुर जाने की भी आवश्यकता नहीं है तो आर के भी इश्यूज़ बहुत सारे आते हैं तो आर को भी आप लोग क्या है अपनी दुरुस्त करवा लीजिए यही हाल लैब टेक्नीशियन पैराम जो पैरामेडिकल की जो भर्ती है उनके लिए उनका आर का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का तो आप उसको भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है आर का या फार्मेसी काउंसिल की अगर हम बात करें फार्मे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का तो उसको भी आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन है जितनी जितनी वैलिडिटी उसकी है अगर वो ख़त्म हो गई है इस महीने में या इससे पहले ख़त्म ही थी दो चार महीने पहले ख़त्म हो गई थी रिन्यू नहीं कराया तो उनको रिन्यू करा लीजिए ठीक है दूसरा आर एन या फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी तो उसको आप लोग सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें उनकी वैलिडिटी कब कब तक की है ठीक है दूसरी बात ये हो गई तीसरी बात आती है ये भी सबसे बड़ा खेल है खेल कोटे का जो प्रमाण पत्र है ठीक है बहुत सारे इसमें जैनवन भी आते हैं खेल कोटे में अभ्यर्थी काफ़ी सारे लोग क्या है कि शिकार भी होते हैं कुछ पैसों के चक्कर में बनवा लेते हैं कई काफ़ी सारी प्राइवेट फेडरेशनस हैं उनसे बनवा लेते हैं तो ऐसा कुछ भी ना करें क्योंकि प्राइवेट फेडरेशन का मान्य नहीं होगा और आपको इसमें ऐड भी नहीं किया जाएगा तो खेल कोटे से आवेदन करने वाले वही आवेदन करें कि जिनके पास वाकई में आपने खेला हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से आपने खेला हुआ है तो ये आवेदन करें किसी भी फेडरेशन के या एसोसिएशन जो प्राइवेट से उनके चक्कर में ना पड़े नहीं तो नुकसान आपको कर झेलना पड़ेगा इसके अलावा एक और बात आती है विडो और डाइवोर्स जो है इनको लेकर के क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे जो है कि आठ परसेंट सीटें होती हैं विडो की दो परसेंट होती है तलाकशुदा की अब इनमें क्या होता है कि किसी का सबसे ज़्यादा इश्यू इनका होता है डाइवोर्स का देखिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले यानी कि कोई फॉर्म की डेट मान लीजिए बीस नवंबर है उससे पहले पहले तक क्या होना चाहिए कि डाइवोर्स की डिग्री इसको डिग्री नहीं बोलते दोस्तों डिक्री बोलते हैं वो होना चाहिए लेकिन नर्सिंग भर्ती में इश्यूज क्या आते हैं कि फॉर्म भरने के वक्त डाइवोर्स न्यायालय में पेंडिंग था वहाँ से डाइवोर्स मिला नहीं फिर वेरीफ़िकेशन्स आ गए वेरीफिकेशन्स में एड नहीं किया क्योंकि क्यों करेंगे वो उसके बाद जाते हैं राजस्थान हाई कोर्ट में हाई कोर्ट फिर ऑर्डर देता है कंसिडर किया जाए या फिर कुछ और ऑर्डर आ जाते हैं तो ये एक बड़ा इशू होता है विडो के विडो का तो ठेल ठीक है लेकिन डाइवोर्स के मामले बहुत सारे आते हैं नर्सिंग भर्तियों को लेकर के पैरामेडिकल की भर्तियों को लेकर के कि साहब हमें डाइवोर्स नहीं माना तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आवेदन की लास्ट डेट से पहले आपके पास संबंधित जो तलाक के जो डिक्री है वो होनी चाहिए नहीं है तो पेंडिंग चल रहा आपका मैटर तो ऐसे में फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ठीक है बेसिकली ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कम से कम जाति प्रमाण पत्र को आपकी आर आर एन या संबंधित फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक कर लीजिए इसके अलावा आप लोगों का जो खेल कोटे से हैं तो उसको ढूंढ लीजिए भाई पुराने खेले हुए हैं कहीं पे ठीक है बाकी फेडरेशन के चक्कर में ना पड़े विधवा तलाक तलाकशुदा के सर्टिफिकेट हैं उनको भी देख लीजिए एक बार ठीक है जिनका कोर्ट कचहरी में डाइवोर्स फाइल हो रखा है तो वो भी अपना ध्यान दे लें भाई जल्द से जल्द उस मैटर को वैकेंसी आने से पहले सॉर्ट आउट करवा लें जिनका भी चल रहा है इस तरीके का तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों को ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है जो मैं मेरे बिहाब पे बता रहा हूँ इस सर्टिफिकेट की होती है और इसकी होती है आर के भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं साहब मैं तो एम में काम कर रहा था फॉर्म आए उसने उस टाइम पे मैंने यहाँ पर आर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था आपने माना नहीं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दुरुस्त करके रखनी है ताकि आगे जो भी कोई दिक्कत हो उसे बचा जा सके ऐसा ही आप लोगों को ध्यान होगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती अठहत्तर पदों की थी उसमें भी काफ़ी सारे जाति प्रमाण पत्र के मामले पहुंचे थे राजस्थान कोर्ट आप लोगों को ध्यान भी होगा तो ये सारी चीज़ें क्या पैरलर चलती हैं समानांतर चलती हैं लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे थोड़ा सा भी अपने आप को सही रखेंगे कि भाई थोड़ा सा भी केयर करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की या अपने जो भी प्रमाण पत्र उनकी तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूरत नहीं होगी कोर्ट कचहरी जाने की वहाँ पे पंद्रह बीस तीस चालीस हज़ार रुपये खर्च करने से बेहतर है कि पहले ही दो सौ तीन सौ रुपये खर्च कर लिए जाए इन पर ठीक है तो बहुत बेहतर होता है तो ये मेरी जानकारी देने का मतलब यही था कि आप लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र आपका आर या आर या फार्मेसी काउंसिल या फिर खेल का है तो उसको भाई संभाल के रखिए विडो डाइवोर्स ये भगवान के हाथ में होता है भाई ये सारी चीज़ें ठीक है कुछ नहीं किया जा सकता तो इन सर्टिफिकेट्स को भी आप लोग देख लीजिए ठीक है ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है ठीक है क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कंप्लीट अगर किसी को कोई इश्यू नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए आपकी जो डिग्री है ए की हो जी की हो फार्मेसी की हो लैब टेक्नीशियंस की हो या फिर आप लोगों की एआरटी की हो असिस्टेंट रेडियोग्राफर की हो तमाम जो आपकी योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए पहली बात उसके साथ में आपके पास तमाम ईयर्स की मार्कशीट वगैरह हों आपके पास वैलिड आप लोगों का जातीय प्रमाण पत्र हो आपके पास आपके संबंधित काउंसिल जो है रजिस्ट्रेशन की उसका सर्टिफिकेट हो खेल कोटे से हैं तो आपके पास खेल कोटे का सर्टिफिकेट हो विडो डाइवोर्स से हैं तो आपके पास विडो डाइवोर्स का जो भी प्रमाण पत्र है डिग्री या फिर हस्बैंड का डेथ का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए अगर ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से दुरुस्त हैं तो ना तो आपका फॉर्म में कोई दिक्कत होगी ना आपके वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी लोग क्या करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र पता नहीं छः साल पुराना ही लगा दिया और फिर कहेंगे कि साहब हमें ओबीसी में नहीं माना हमें एमबीसी में नहीं माना हमें उसमें नहीं माना भाई क्यों मानेंगे वो तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए मैं इसको जोर दे के इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे दुख है आज भी उस ए बहन का जब भी सोचता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि उनकी छोटी सी गलती के कारण आज वो नौकरी से वंचित हैं अन्यथा दो में उनका नंबर आ जाता तो मैं नर्सिंग के जितने भी मेरे साथी हैं आप मेरे भाई बहन हो छोटे बड़े जैसे भी समझ लीजिएगा तो आप लोग बिल्कुल भी क्या है इस चीज़ का ध्यान रखें मैं नहीं चाहूँगा कि ये जो दो में एक सीन क्रिएट हुआ मेरी आँखों के सामने वो ना हो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सबके डॉक्यूमेंट जो हैं सही हों पहले से अच्छे हों ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ताकि आपको राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर हाई कोर्ट का रुख ना करना पड़े मेरे कहने का मतलब आप लोगों से यही है भर्तियां आने वाली हैं भाई डेट तो कोई उनकी फिक्स है नहीं बाईस चौबीस पच्चीस छब्बीस जो भी है लेकिन इतना कह रहा हूँ अब ज़्यादा दिन नहीं है किसी भी भर्ती में ये ना सोचे भाई अगले साल कोई भर्ती आएगी इसी साल आ जाएंगी सारी की सारी भर्तियाँ और कुछ ही दिनों में आ जाएंगी अगर आप लोगों का ये सवाल होगा मुझे पता है कि होगा निश्चित तौर पर कि सब भर्तियाँ तो आने रही अब वैसे हमें बरगला रहे हो पागल बना रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों भर्तियाँ बहुत जल्द सारी सारी की सारी आने वाली हैं नर्स ग्रेड टू आएगी ए एन एम्स आएगी लैब टेक्नीशियन साइक्रियोग्राफर सी एच ओ फार्मासिस्ट सभी आएंगी डॉक्टर्स की आ गई ना सभी आएंगी टेंशन नहीं लेनी किसी को भी बस लगे रहना है कुछ भर्तियों की एग्ज़ाम होगी कुछ भर्तियों में एग्जाम नहीं होगी धन्यवाद आप सभी का और इस जानकारी से आप कितना सहमत हैं कैसा लगा आपको ये वीडियो ये ज़रूर बताना इसके अलावा एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे आप लोगों को दोस्तों ये हमारे चैनल का कुछ एनालिटिक्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो देखिए सौ लोगों को रिकमेंड जब यूट्यूब वीडियो करता है तो चौदह लोग उसको देखते हैं थम को देख करके इसी तरीके से आप लोगों से जो शिकायत है वो यहाँ पर देखिए जो शिकायत मुझे आपसे है वो ये है ये आप वीडियो की टाइमिंग है ये तो खैर अच्छी है पाँच मिनट का वीडियो एक मिनट तीस सेकंड तक देखा जाता है एवरेजली और जो पाँच मिनट से ज़्यादा के वीडियो हैं वो तीन मिनट तक देखे जा सकते हैं इसकी तो ख़ुशी है हमें लेकिन ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है ये यहाँ पे देखिएगा दोस्तों डू वो पिल इन्जॉय योर वीडियोज़ वो विल आर सोवन मो मोर ऑफ वाट दे लाइक शेयर एंड रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली इन यूट्यूब सर्विस ठीक है ये शेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग इसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए थोड़ा लाइक कर दीजिए यहाँ पर ये ये चाहिए हमारे चैनल की जो क्रेडिटिविटी है वो कम ना हो आप लोगों का प्यार बहुत मिलता है आ, कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं एक दो को छोड़ दें तो, तो थोड़ा सा लाइक किए कर दिया करें भले ही वीडियो आप लोग 10 सेकंड देखें लाइक बहुत ज़रूरी है लाइक कर दिया करें शेयर का तो इन्होंने बता ही दिया शेयर तो हमारे वीडियो होते हैं इसमें कोई शंका नहीं है तो शेयर भी क्या करें और लाइक भी क्या करें ठीक है दोस्तों तो ये कुछ आप लोग को चैनल एनलिटिक्स दिखाया था और हमारी बातों पर गौर कीजिएगा दोस्तों ये जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं इनको प्लीज़ आप लोग पहले से तैयार करके रखें और मन में आया कि बताना चाहिए ये बातें अच्छी हैं तो बता दी आप लोगों को किसी को बुरा लगे तो भाई हम माफ़ी चाहेंगे धन्यवाद आप सभी का जय हिंद दोस्तों जय भारत